और हमारे इस शरीर रूपी मकान में आंख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। एक बड़े आदमी के यहां बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, टेलीफोन की घंटी बजी तो हमने कहा उठा लो रिसीवर, उठा लो सुन लो। कहने लगे वो दूसरे कमरे में उठा लिया होगा। तो हमने कहा फोन इस कमरे में, फिर दूसरे में कैसे उठा लिया होगा? तो कहा कि ये रिसीवर दो रख दिए हमने, कनेक्शन एक है, चाहे इस फोन से सुनो चाहे उस फोन से सुनो। हमें उस दिन लगा कि वाह रे परमात्मा क्या लीला की, इसमें भी ये दो टेलीफोन लगाए, दोनों पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से। सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, हमें बोलना नहीं पड़ता, बोलने के लिए भी एक नौकर है। कौन? वाणी, बोल दो इनसे, ये कह दो इनसे, ये कह दो। अरे बाणी करे बोला चाली जमाने भर से, बाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। ये कह रहे हैं दस दरवाजे वाली, और गीता में कहा नौ द्वारे पूरे देही, नौ दरवाजे। अरे ये दसवां द्वार बंद रहता है, इमरजेंसी गेट है, वीआईपी गेट, कोई विशेष व्यक्ति निकलता है तो उसके लिए खुलता है, बाकी के लिए बंद रहता है। और नौ दरवाजों से हम लोग काम चलाते हैं। हमें भोजन भी दिया जाता है, हम इतने वीआईपी हैं कि हमसे बड़ा वीआईपी कोई होगा ही नहीं। कितनी जगह चेकिंग होती है, पहले हाथ छू के देखता है कि गर्म या ठंडा देने लायक है या नहीं। चलो हाथ पास कर दे, कहाँ दिया जा सकता है, तो फिर नासिका सूंघ के देखती है। दो जगह चेकिंग हुई और तीसरी जगह जीव चेक कर देखती है, नहीं वहां से भी कैंसिल हो सकता है। तीन तीन जगह चेकिंग होती तब तो हमें भोजन दिया जाता, हमसे बड़ा वीआईपी कौन होगा। एक बार एक महात्मा हमारे साथ गए, बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ हम लोग मेहमान थे। उस व्यक्ति ने सामने भोजन का थाल रखा, कटोरियों में चम्मच रखी। हमारे साथ जो महात्मा थे सरल सीधे महात्मा, उन्होंने बिना चम्मच के ही उठाने की कोशिश की, तो हमने कहा महाराज बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं। अरे हमने कहा ये इनके यहाँ आए हो, ये चम्मच से खाते हैं, अपने को असभ्य मानेंगे, आप चम्मच से ही लो। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने चम्मच भरी, चम्मच में भरी खीर। अब चम्मच तो बता नहीं सकती कि खीर गर्म है कि ठंडी है। महाराज खीर भर के जैसे ही मुंह में रखी आग लग गई, ऐसे तो चम्मच फेंकी, पानी पिया, किसी तरह अंदर ले गए।
और हमसे नाराज होते हुए बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता। इस चम्मच से तो भगवान के दिए हुए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम बताते तो हैं कि गर्म है कि ठंडा है खाने लायक, बहुत बढ़िया है ये। लेना देना कर करते, ये मुनीम है, मुनीम जी इन्हें ये चीज दे दो, मुनीम जी इनसे ये चीज ले लो। लेना देना कर करते पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, 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 काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटी निराली 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 जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराले जमाने भर से, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया। इतना बढ़िया मकान है, मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी, हम लोग जैसे का शब्द सुनने के लिए कान के छिद्र काफी थी, ढक्कन क्यों लगाए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा, आंख कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ रखेगा, इसलिए पहले से है इंतजाम की नहीं, बढ़िया इंतजाम। आज मोटर कार में जिसमें हम लोग बैठकर यात्रा करते हैं उसमें स्टेपनी जरूर रहती, एक शायद पहिया पंचर हो जाए तो दूसरा लगा दें। वाह रे ब्रह्मा जी, इस कार में भी ऐसा इंतजाम किया है, हार्ट गड़बड़ हो जाए तो इसकी चीजें रखी हैं पांव के पीछे एड़ी के ऊपर, डॉक्टर वहीं से निकाल कर यहां फिट कर देते हैं, गाड़ी चलने लगती है इंतजाम की नहीं। एक आदमी बोला कि महाराज अगली बार आओगे नई कार में बिठाऊंगा। मैं पहुंचा, नई कार उसने नहीं खरीदी। हमने कहा क्यों भैया कब खरीदोगे? कहने लगा कि महाराज अभी इसका लेटेस्ट मॉडल आएगा। मैं समझा कोई कार होगी लेटेस्ट मॉडल, मैं पता जानता नहीं था। फिर बाद में पता लगा कि पिछली कार में जो गड़बड़ी रह गई वो अब सुधार दी गई। मुझे लगा कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति की, हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। पर वाहरे ब्रह्मा जी, जब से ये मनुष्य शरीर का मॉडल बना है आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही पुरानी फिटिंग, युगों पुरानी फिटिंग है। इतना बढ़िया मकान कहीं नहीं, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ये बुंदेली बोली है, भजन है, बकरी कहते मकान को। ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर मकान बनाया, बकरी ऐसी अजब बनी जामे ईंट लगी ना लकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी,
बना गए मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। न ईंट न लकड़ी और बकरी ऐसे ढंग से बनी, ना चौड़ी ना सकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। अजय मकान इतना बढ़िया बनाया, ना चौड़ा और ना संकीर्ण। कमरे कितने बनाए? 5 कुठरियां, 5 कमरे, 5 तत्व के शरीर में 5 कमरे। नेत्रों का कमरा, कान का कमरा, नासिका का कमरा, लसना का कमरा, त्वचा का कमरा। 5 कुठरियां, 10 दरवाजे। 10 दरवाजे हैं, 2 आंख के दरवाजे, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, है ना? 7 ये हो गए, मलमूत्र के 2 द्वार, पूरे 9, और 10वां ये जो बंद है ब्रह्मरंध्र। तो 5 कुठरियां, 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकरी। 3 गुण, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इससे बांध कर रखा है। और जब जब अखरी मिटरन लागी, गांव पुराखों अखरी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी, बनाए दई कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी। हो बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, हो बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ऐसा आलीशान मकान, कैसी सुंदर बकरी। लेकिन जब इतना आलीशान मकान है तो चौकीदार भी तो चाहिए। चौकीदार हमेशा जागता रहता है, चौकीदार, और कहता जागते रहो जागते रहो। ये गलत, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहां भी एक चौकीदार है। काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। बुद्धि चौकीदार है, लेकिन इसमें रहने वाला मन माने किसी की तब तो, मन बुद्धि की नहीं सुनता। करके संग इंद्रियों का मन, ये बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेकिन एक बात है, ये मकान कितने ही आलीशान हो पर एक गड़बड़ी है, केवल एक। ये अपना है नहीं, किराए का है। बोलो है किराए का कि नहीं? और इस किराया का, इसका किराया कब देना पड़ता है? हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन नहीं, हर क्षण। इस कुटिया का नित्य किराया, ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, ये श्वास पचाने वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से।
किराया खत्म मकान खाली, श्वास खत्म मकान खाली।